नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत, कुछ देर में रिहा होंगे। प्रचार की अनुमति। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन वे केस के बारे में बात नहीं करेंगे। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है। रिलीज ऑर्डर तिहाड़ पहुँच गया है, आज ही वे जेल से बाहर आ जाएंगे। चुनाव आयोग बोला, वोटिंग परसेंट के तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं। खड़गे के आरोप झूठे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वोटर टर्नआउट में हेरफेर के आरोपों को चुनाव आयोग ने बेबुनियाद बताया। ईसी ने कहा, चुनाव के बीच ऐसे आरोप लगाने से जनता में कंफ्यूजन फैलता है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में दिक्कतें पैदा करता है। खड़गे ने कहा था, चुनाव आयोग मतदान के 4-5 दिन बाद वोटिंग परसेंट क्यों जारी करता है? यह पहला डेटा 24 घंटे में आ जाता था। राहुल गांधी की कानपुर कन्नौज में रैली। राहुल बोले, मोदी डरे, अडानी अंबानी से कह रहे मुझे बचाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज और कानपुर में संयुक्त रैली की। कन्नौज में राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी डर गए हैं, वे इसी डर के मारे अपने मित्रों से कह रहे हैं अडानी अंबानी मुझे बचाओ। कन्नौज सीट सपा का गढ़ रही है। यहां 1999 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था। 2019 तक यह सीट सपा के पास रही। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका हाईकोर्ट 3 मई को खारिज कर चुका है। रांची में 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को अरेस्ट किया था। पंजाब में अमृतपाल के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट का फैसला। कहा, जेल प्रशासन पूरा करवाए नॉमिनेशन प्रोसेस। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह खजूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नामांकन भरने के लिए अमृतपाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा, जेल प्रशासन नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा करवाइए। अमृतपाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। आईपीएल में गुजरात टाइटन्स वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स। आज गुजरात हारी तो आईपीएल से हो जाएगी बाहर। आईपीएल में शाम 7:30 बजे गुजरात और चेन्नई के बीच मैच खेला जाएगा। गुजरात के 11 मैचों में 4 जीत और 7 हार से 8 पॉइंट्स हैं और टीम 10वें नंबर पर मौजूद है। आज चेन्नई से हार कर टीम मुंबई और पंजाब की तरह प्लेऑफ रेस से बाहर हो जाएगी। अगर मैच जीते तो उन्हें आखिरी दोनों मैच जीतने के साथ बाकी नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। इटली में जिपलाइन से 60 फीट नीचे गिरी महिला की मौत। मालिक बोला, ऐसा पहली बार हुआ। इटली में एक महिला जिपलाइन के सुरक्षा हार्नेस से फिसलकर 60 फीट नीचे गिर गई, उसकी मौत हो गई। 41 साल की गिजलेन मुताहिर अपने परिवार के साथ लोम्बार्डो के फ्लाई इमोशन पार्क छुट्टियां मनाने पहुंची थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि महिला 96 किलोमीटर की रफ्तार से जिप लाइन के आखिरी छोर पर पहुंच रही थी। इसी दौरान वो छटपटाने लगी और नीचे गिर गई। नवनीत राणा के खिलाफ FIR दर्ज। हैदराबाद में बोली थी, राहुल को दे दिया वोट, पाकिस्तान जाएगा। अमरावती से निर्दलीय सांसद और भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद में FIR दर्ज हुई है। राणा ने कहा था कि अगर आप राहुल गांधी को वोट देते हैं तो आपका वोट पाकिस्तान को जाएगा। उधर 15 सेकंड वाले नवनीत के बयान पर OVC ने कहा कि छोटे को समझा कर रखा है, बताइए छोड़ दूं क्या। छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में आज ओले गिरेंगे, राजस्थान में हीट वेव। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र समेत 20 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में ओले गिर सकते हैं, राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी है। फलौदी जिले में शुक्रवार को तापमान 46.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिहार में 13 मई तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
बीसीसीआई नए कोच के लिए जल्द आवेदन जारी करेगा। द्रविड़ का जून में खत्म होगा कार्यकाल। टीम इंडिया को जल्द ही नया हेड कोच मिल सकता है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बोर्ड जल्द ही हेड कोच के पद के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। वह नवम्बर 2021 में 2 साल के लिए चीफ कोच अपॉइंट हुए थे। बाद में कोर्ट ने उनका कार्यकाल 7 महीने और बढ़ा दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।